नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। जयपुर में बीते दिनों 22 पंचायत समितियों में 445 सदस्यों और जिला परिषद के 51 सदस्यों की वोटिंग हुई। रिजल्ट 4 सितंबर को आ गए। इन चुनावों में जीते उम्मीदवारों की अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो यह अब तक बने बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का बोर्ड है। जयपुर जिला परिषद के 51 सदस्यों में से 35% सदस्य ऐसे जीत कर आए हैं जो ग्रेजुएट या पीजी किए हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12 सदस्य कांग्रेस के हैं। वहीं 22 पंचायत समितियों की बात करें तो यहां करीब 34% उम्मीदवार ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की योग्यता हासिल किए हुए हैं। जालसू पंचायत समिति में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार जीत कर पहुंचे हैं। भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10वीं पास की अनिवार्यता कर रखी थी। इससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इन पदों पर नामांकन नहीं भर सकता था। दिसंबर 2018 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने गहलोत सरकार ने इस नियम को बदल दिया। इसको लेकर भाजपा के सदस्यों ने विरोध भी जताया था। 22 पंचायत समितियों में जीत कर आए 445 सदस्यों में से 25% यानी कि 113 सदस्य ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, यानी उन्हें केवल अपना साइन करना ही आता है। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। वहीं जिला परिषद की स्थिति देखें तो यहां 51 में से 8 मेंबर अनपढ़ हैं, जो कुल संख्या के करीब 16% है। यहां दोनों ही पार्टियों में अनपढ़ जीत कर आए सदस्यों की संख्या 4-4 यानी कि बराबर है। चुनावों से पहले जब टिकट वितरण हुआ तो पढ़े लिखों की पैरवी करने वाली भाजपा ने ही इस बार 9 साक्षर ऐसे लोग जो केवल नाम लिखना जानते हैं इनको टिकट दिया था। इस मामले में सबसे ज्यादा 12 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि 4 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी से ऐसे थे जो अनपढ़ या कहें कि साक्षर थे। पंचायत समितियों में इस बार अनपढ़ से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार जीत कर आए जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। जीते हुए 150 सदस्य ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही नहीं, कुछ उम्मीदवार एमकॉम, एमबीए, बीटेक, बीएड और एलएलबी किए हुए हैं। वहीं जिला परिषद की स्थिति देखें तो 51 में से 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनमें 6 बीजेपी से आते हैं जबकि 12 कांग्रेस से। पंचायत समिति जालसू में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार जीत कर आए हैं। यहां 25 सदस्यों में से 14 सदस्य की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है। यहां केवल 3 उम्मीदवार ही अनपढ़ हैं जो केवल साइन करना जानते हैं। शेष 8 सदस्य 8वीं, 10वीं, 12वीं पास आए हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।